स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच क्या होता है, साथ साथ इसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग इसमें इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग ने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें तो ये तो समझ में आ गया जो एसिड होता है और बेस होता है या तो वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है, एसिड है या बेस है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, लिटमस पेपर से पहचानते हैं, वो कहीं कहीं स्ट्रांग होता है कहीं वीक होता है, ये तो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट में जाना। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है कितना ज्यादा वीक है, या कोई बेस का एग्जांपल लेते हैं वो कितना स्ट्रांग बेस है या कितना वीक बेस है, इसका कोई पहचान का तरीका तो होना चाहिए। ये चीज हम लोग कैसे पता चलेगा? साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे भी एसिड और या बेस को अगर हम लोग डालते हैं वाटर में, जैसे एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देगा, उसी तरह से बेस को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो कितना हाइड्रोजन आयन देगा कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब चीज जो हम लोग लिटमस पेपर पर टेस्ट करते थे इससे ये पता चल जाता था कि हाँ ये एसिड है बेस है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो इसी चीज को हम लोगों को समझने के लिए हमें चाहिए पीएच स्केल। ठीक है, पीएच से हमें ये चीज समझ में आएगा। पीएच का मतलब आप पहले ये समझो, पीएच का फुल फॉर्म हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्ट। ठीक है, पीएच जो शब्द है, पी जो है ये पोटेंस से बना हुआ है जो कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। ओके, अच्छा ये पीएच जो है ये हमेशा इस तरह से ही लिखा जाता है, ये ध्यान देने की बात है। पी हमेशा छोटा रहेगा और एच यहाँ पे बड़ा रहेगा, कभी ये कैपिटल पी और एच नहीं लिखेंगे या कैपिटल पी स्मॉल एच इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमेशा स्मॉल पी और कैपिटल एच से ही इसको लिखते हैं पीएच को, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे अब हम ये होता क्या पीएच, पहले ये समझो पीएच क्या होता है। ये मेजरमेंट होता है एसिड और बेस का, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना या न्यूट्रल है, या कितना ज्यादा बेसिक है, या कितना कम बेसिक है, या कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है। ओके, इससे हमें ये पता चल जाएगा। ओके, इसको जैसे कि हम लोग लेंथ को नापते हैं। ठीक है, लेंथ को नापने का जो तरीका होता है ये 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग नापते हैं तो उसमें कितना एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, 4 है, 10 है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग वेट नापते हैं तो ग्राम में किलोग्राम, तो उसी तरह से एसिड की या बेस के स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम लोग पीएच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्राम होता है। ठीक है, उसी तरह से पीएच भी है, जितना जितना जो वैल्यू रहेगा उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि एसिड में कितना स्ट्रेंथ है, ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये चीज इससे हम लोग को पता चलता है। अब जो पीएच स्केल होता है, ये जो पीएच है ये स्केल होता है जिसका नंबर 0 से लेके 14 के बीच में जाता है। ठीक है, इस पीएच का जो वैल्यू है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 14 तक मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 14। ठीक है, ये इसका रेंज होता है। कोई भी एसिड और बेस का अगर हम पीएच वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 से 14 के बीच में आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये समझो, अगर कोई भी पीएच जो होता है उसका जो वैल्यू है अगर 7 से कम हुआ, मतलब कि 7 से कम लेते हुए कहां तक जाएगा मिनिमम 0 तक, अगर इसके बीच में आया तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ओके, अगर किसी का पीएच एग्जैक्टली 7 हो गया तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। अगर पीएच का वैल्यू 7 से अधिक जाते हुए 14 के बीच में अगर रहेगा, 7 से अधिक हो गया और 14 के बीच में रहेगा तो वो सॉल्यूशन हो गया बेसिक। ठीक है, अब एक चीज और है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ऐसे करते 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 7 हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते बढ़ते 14 तक गए हम। ठीक है, क्या ये होल नंबर में ही इसका वैल्यू होता है? नहीं, इसका वैल्यू डिजिट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी इसका वैल्यू हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का एसिड का अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो एसिडिक होगा, तो इसका मतलब है कि 7 से कम है, मतलब अगर किसी का वैल्यू 5.2 आता है पीएच का वैल्यू तो वो भी एसिड हो गया, तो 5.2 के फॉर्म पे भी आएगा, 5.1 के भी फॉर्म पे आएगा, 3.2 के भी फॉर्म पे आएगा, अगर बेसिक है तो 10.5 के फॉर्म पे भी आएगा, तो डेसिमल में भी इसका वैल्यू जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 से 7 में तो 5 ही आए, 4 ही आए, 2 ही आए, 1 है, ऐसे नहीं, डेसिमल में भी जा सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है, लेकिन एसिडिक है तो 7 से वैल्यू इसका कम रहेगा, मतलब 6.9 हो, 6.8 हो, ऐसे कम होते 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 ये 0 के बीच में रहेगा। ओके, अब एक चीज और समझो, अगर किसी का पीएच का वैल्यू एकदम 0 हो जाए, ठीक है, अगर किसी एसिड है वो एसिड का ही वैल्यू पीएच 7 से कम रहेगा और उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो मोस्ट एसिड है, हाईली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिड है। अगर 1 आता है तो 0 वाले के कंपेरिजन में थोड़ा कम, 2 आया तो और कम, 3 आया तो और कम, ऐसे कम होते होते होते
6.9 तक मैक्सिमम कम जाएगा, उसका 7 आ गया तो वो न्यूट्रल हो गया। 7 अगर किसी का पीएच वैल्यू होता है तो वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो जो प्योर वाटर का, जो अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का एग्जाम्पल अगर पीएच नापेंगे तो वो एग्जैक्टली 7 आता है। ठीक है, तो वो वाटर होता है लेकिन प्योर वाटर होना चाहिए। आप कहीं का भी टैप वाटर ले लो, ड्रिंकिंग वाटर ले लो, ये सब नहीं चलेगा। एकदम प्योर वाटर होना चाहिए, उसमें डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, तब जाके उसका पीएच का वैल्यू 7 आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो वाटर का, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। तो अब आगे बढ़ते हैं, 7 से ऊपर बढ़े, 7.1, 7.2, जैसे जैसे आगे बढ़ जा रहे हैं तो वो बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है। 14 तक जाएंगे तो मैक्सिमम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू, वो 14 आएगा। ठीक है, अब 14 से अगर कम होता है तो 7 से अगर बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, 7 से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो बेसिसिटी फिर इसकी बढ़ते जाएगी। ठीक है, 7 से आगे बढ़े तो 7.1 में बेसिक हो गया, 7.2 में और बेसिक, ऐसे 8 में और, 9 में और ज्यादा बेसिक बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14 पे सबसे मोस्ट बेसिक होगा। अच्छा, तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जो एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम होते जाएगा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप देख लो, अगर कहीं एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई दो एसिड है, एक का वैल्यू है 6, एक का वैल्यू है 4, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, जिसका वैल्यू जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पीएच के। ठीक है, तो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या मतलब हो जाएगा कि पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो बेसिक। ठीक है, अगर कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 8, एक का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? 11 वाला ज्यादा बेसिक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, बेसिस में वैल्यू जितना ज्यादा हो, मतलब 7 से ऊपर जितना चलते जाए वो ज्यादा बेसिक, एसिडिक में 7 से जितना कम, 0 की तरफ जितना तरफ आ जाए वो जितना ज्यादा एसिडिक। तो ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा करना है, 0 से 14 होता है, बीच में 7 आता है तो 7 पे न्यूट्रल हो गया, 0 से 7 तक में एसिड स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम, सब 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसका धीरे कमते 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 7 तक सबसे कम, उसके बाद 7 से फिर बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, 7 के बाद आगे बढ़ेंगे तो बेसिक बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा 14 तक। तो यही इसका पूरा रेंज होता है। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ये आपका बुक में ये वाला पार्ट दिया हुआ है तो इसमें समझ लो। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो हाईली एसिडिक होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखो ब्लू कलर से जो सेड किया हुआ है, यहाँ पे जीरो पे, यहाँ पे जीरो पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे मात्रा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और OH जो व्हाइट वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये OH है। ठीक है, OH आयन का कंसंट्रेशन कितना कम। ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग हो रहा है, जीरो की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 7 पे, एग्जैक्टली 7 पे क्या होगा, दोनों बराबर, मतलब कि H प्लस OH N का जो कंसंट्रेशन है, दोनों का अमाउंट है, वो एग्जैक्टली बराबर है। अब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है, अब जैसे जैसे इधर 7 से ऊपर के बाद, तो यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन गिरते हुए जाएगा। तो आप जानते ही हो, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में OH N देता है, जो वीक बेस होता है वो कम देता है। तो वीक बेस है, मान लो यहाँ पे कोई जिसका पीएच है, जिसका मान लो कि 8 है, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है बेस है, उसका मान लो वैल्यू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट, देखो OH का यहाँ पे इतना है और यहाँ पे देखो बढ़ गया, तो जितना ज्यादा OH उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, यहाँ पे मान लो कि किसी एसिड का पीएच है 5, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एसिड का वैल्यू है 3, ठीक है, तो आप 5 देखो, 5 पे हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन इतना ही है और यहाँ पे देखो इतना ज्यादा हाइड्रोजन का, तो 3 वाला जो हो गया वो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो नाम दे देगा, नंबर ऑफ दे देगा कि दो तीन सॉल्यूशन है, एक का पीएच है 3, एक का है 5, एक का है 8, तो बताइए इसमें बेसिक कौन होगा, तो 7 से ऊपर वाला बेसिक होता है तो 8 है, सीधा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन भी आएगा, तो मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब जो पीएच स्केल होता है क्या होता है कि जो लिटमस, जो मैंने शुरुआत में इंडिकेटर बताया था, तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो लाइट येलोइश कलर का होगा, हो सकता है कि इमेज मैं साइड में लगा दूंगा, तो ये लाइट येलोइश कलर का इंडिकेटर होता है। इसमें कई तरह के सॉल्यूशन से इसको बनाया जाता है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसका कलर इवन न्यूट्रल पे भी चेंज होता है, एसिड बेस पे भी तो चेंज होगा, न्यूट्रल पे भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका कलर जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्ट्रिप होता है, जिसको लिटमस स्ट्रिप भी कहते हैं, इसको हम लोग जैसा भी सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे, उसका कलर यहाँ पे येलोइश शो हो जाएगा, मान लेते
ठीक है, येलो ही शो हो जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ मैच करा देंगे, तो उसका सॉल्यूशन हो गया वो चार नंबर का हो गया, मतलब कि वो एसिडिक है और उसका पीएच का वैल्यू 4 हो गया। ओके, अगर उसी तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको हम लोग दूसरे सॉल्यूशन में डिप किए, उसका कलर जो है वो एकदम ब्लूइश हो गया, एकदम ब्लू कलर का हो गया, प्योर ब्लू हो गया, तो यहाँ पे मैच करेंगे तो 13 से मैच कर दो, उसका पीएच का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, जो पेट में जो जूस निकलता है वो HCl होता है, उसका पीएच होता है 1.2 के आसपास, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस का पीएच कितना होता है 2.2 के आसपास। उसका प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7, प्योर वाटर और ब्लड का, यहाँ पर प्योर वाटर का ड्रिंकिंग वाटर का लेवल, अगर हम लोग प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो 7 होगा, डिस्टिल्ड वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ब्लड की बात करते हैं तो 7.4 होगा, ठीक है। ब्लड का पीएच अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछ रहा था ब्लड का पीएच कितना होता है तो उसका आंसर हो जाएगा 7.4। उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना हो जाता है पीएच तो 10 हो जाता है। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच हो जाता है 4। ओके, तो ये है पूरा कंसेप्ट पीएच का, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे कि पीएच का वैल्यू हमको निकालना है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन दिया हुआ है उससे हमें पीएच का वैल्यू निकालना है, या फिर पीएच का वैल्यू हमारे पास है ठीक है उससे हाइड्रोजन आयन का निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ना है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये पीएच का फॉर्मूला हो जाता है पीएच निकालना। तो अब जब हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है तो उससे हम लोग पीएच का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर पीएच का वैल्यू दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये सब आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है, अभी हमें नहीं पढ़ना है ठीक है। तो हमें अभी सिर्फ पीएच स्केल पढ़ना है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है जैसा कि मैंने बताया, और इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे। फाइंड 5 सॉल्यूशन दिया हुआ है ABCDE, 5 अलग अलग बीकर में सॉल्यूशन मान लो रखा हुआ है, सबका नाम दे दिया गया ABCD। ओके, व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द पीएच एस, अब इस सब में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाला गया और डालने के बाद इसका पीएच ये शो करता है 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7, ई का 9। ओके, विच सॉल्यूशन इज, अब कौन सा सॉल्यूशन इसमें न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, वीक एसिडिक होगा, वीकली अल्कलाइन होगा, रेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा पीएच स्केल है वो बोलता है कि 0 से लेके 7 तक एसिडिक और 7 से लेके 14 तक हमारा बेसिक होता है, ठीक है, एसिड यहाँ बेस लिखा और 7 पे न्यूट्रल। तो अब देखो न्यूट्रल कौन सा है, तो न्यूट्रल एक ही होगा, 7 वाला, तो 7 वाला न्यूट्रल है, मतलब कि डी नंबर यहाँ पे जो कि 7 है जिसका वैल्यू, वो हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, और यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन और ई नंबर में दिया हुआ है वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन सोल्यूशन मतलब की बेसिक सोल्यूशन का ही यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट होता है वो अल्कलाइन ग्रुप कहलाता है, इसलिए उसको अल्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप समझो, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब कि स्ट्रॉन्गली बेसिक का है आप पूछ रहा है, ठीक है, तो जिसका वैल्यू एकदम 14 मिल जाए वो अच्छा, या 14 से 13 होगा तो वो फिर 12 इस तरह से जाएंगे, तो मैक्सिमम 14 के तरफ जाएगा, तो वो जितना ज्यादा वैल्यू 7 से ऊपर जाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो 7 से वैल्यू ऊपर वाला कौन सा है, दो ही है ना, एक 11 नंबर है और एक 9 नंबर है। ओके, तो कौन ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, पीएच का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस के, इसके बेस के वैल्यू से, ठीक है, तो पीएच के वैल्यू से, तो उतना ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, पीएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पीएच नंबर से। तो यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर और 9 नंबर है, तो कौन ज्यादा बड़ा नंबर है, 11 नंबर है, तो यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा सी वाला, सी जो सॉल्यूशन होगा जिसका पीएच वैल्यू 11 है वो हमारा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा। तो वीकली अल्कलाइन कौन होगा, अब एसिडिक में तो हम जाएंगे नहीं ना, तो 7 से ऊपर ही होना चाहिए, तो 7 से ऊपर है लेकिन 11 तो स्ट्रॉन्गली हो गया, तो वीक हो जाएगा 9 नंबर, मतलब कि ई वाला, यहाँ पे जो ई है वो वीकली अल्कलाइन हो जाएगा 9 नंबर। अब दो और बच गया, स्ट्रॉन्गली एसिडिक और वीकली एसिडिक। एसिडिक स्ट्रॉन्गली होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच से, मतलब कि उसका वैल्यू जितना 0 के नियर अबाउट होगा, तो 0 के नियर अबाउट यहाँ पे 1 और 4 है, 7 से कम होना चाहिए, और 0 के पास जो वैल्यू होगा, तो 0 के पास वैल्यू 1 है, तो 1 होगा स्ट्रॉन्गली एसिड, मतलब कि बी वाला, बी जिसका वैल्यू 1 है। ओके, स्ट्रॉन्गली एसिड, अब जो बच गया तो 4 नंबर वो वीक एसिड हो जाएगा,
मतलब कि बी सॉरी ए वाला जो हो गया ए नंबर जिसका वैल्यू 4 है, अब ये हमारा वीकली एसिड हो गया, ये हमारा चारों यहाँ पांचों यहाँ पे हमारा निकल गया। ये न्यूट्रल हो गया 7 नंबर, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन 11 नंबर, स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1 नंबर, वीकली एसिडिक 4 नंबर और वीकली अल्कलाइन 9 नंबर। ओके, अब अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब पीएच को उस हिसाब से अरेंज करना है कि हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो सबसे कम वाला सबसे पहले लिखेंगे, तो जिसका पीएच जितना ज्यादा है वो सबसे कम हो जाएगा, तो 11 नंबर पीएच, ठीक है, उससे ऊपर में कितना नंबर पीएच दिया हुआ है 9 नंबर, उससे ऊपर में जाएंगे तो 7, उससे ऊपर में जाएंगे तो 7 के बाद यहाँ पे 4 और उससे ऊपर में जाएंगे तो 1, ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे एबीसीडी आप लिख सकते हो, तो ये सोल्यूशन का हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, एसिडिक में होता है, मतलब 0 वाले के आसपास, तो वहां तो है नहीं क्योंकि 1 है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 4 में, उससे कम 7 में, उससे कम 9, उससे कम 11, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रेड को ब्लू बना क्या रहा है, उससे मतलब है, क्या था उससे मतलब नहीं है, बना क्या रहा है, ब्लू बना रहा है, ब्लू कौन बनाता है, बेस बनाता है, बेस का मतलब क्या होगा, पीएच में पूछता है, तो 7 से ऊपर होना चाहिए, 14 तक होना चाहिए, 7 से 14 के बीच में होना चाहिए, 7 छोड़ के, ठीक है, 7.1 से लेके 14 तक का वैल्यू होना चाहिए, तो 7.1 से लेके 14 तक के बीच का वैल्यू कौन सा आ रहा है, ये तीनों होगा नहीं, ये तीनों होगा नहीं, सिर्फ 10 आ रहा है, आंसर करेक्ट, बस सीधे इस तरह से निकाल सकते, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जो इसमें स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले होगा फॉर सर्वाइवर ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स को जीने के लिए 7 के अराउंड, 7 से 7.8 के अराउंड में हमारा जो अगर पीएच है, वेरी नैरो रेंज होता है, मतलब 6.5 से लेकर 7.5, जो 7 के अराउंड का जो नंबर है वहीं पे अगर पीएच रहता है तो हम लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए, अब लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए तो सारे लिविंग बींग्स आ गए लगभग लगभग, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स आप देख सकते हो, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं अलग बात है, उसको हम लोग नहीं जिक्र कर रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स है, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, तो उनको 7 के अराउंड का जो पीएच होता है वो सबसे सुटेबल होता है, उसी में वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई प्लांट है, ऐसा करना मत, लेकिन प्लांट है, अगर उसमें आप थोड़ा सा HCl डाल दो, देखो वो तुरंत मर जाएगा, ठीक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट जैसे मिला उसका पीएच चेंज हो गया, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बेस डाल दो उसके जगह तो भी मर जाएगा, तो उसका जो पीएच है 7 के अराउंड होना चाहिए तो सबसे सही रहता है। हमारा बॉडी का अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, तो वो किस पीएच रेंज में वर्क करता है, तो 7.7 के 8 के रेंज में वर्क करता है, ठीक है। ये पूरे बॉडी का बात कर रहा है, मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ पे सेल्स में क्या रिएक्शन हो रहा है, वो चीज बता रहा है। अब आप इसमें एक्सेप्शन निकाल के बोलोगे भैया पीएच का तो 1.2 होता है, पेट का जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो भैया वो पेट में आता है गैस्ट्रिक जूस खाने को पचाने के लिए, वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, उसके साइड के लेयर वैसे रहते हैं पेट के कि वो उसको डैमेज नहीं करेगा, वहां पे एक्सेप्शन है, वहां पे पीएच 1.2 के आसपास, 1 से 2 के आसपास होना चाहिए, वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसका, इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे बेसिक एनवायरनमेंट हो जाता है, 7 से ऊपर 8-9 तक चला जाता है, इसका मतलब होल बॉडी उस पर वर्क नहीं करेगी। ऐसे हम लोग जनरल अगर वर्क करेंगे सेल का जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बाकी पूरे बॉडी में बात करेंगे तो 7 से लेके 7.8 के बीच में इसका रेंज होता है, जिसमें पूरा पीएच वर्क करता है, हमारे एंजाइम्स काम करते हैं, हमारा पूरा वर्किंग जो मैकेनिज्म है पूरे शरीर का वो इसमें काम करता है, ठीक है। अब जो पीएच का है, रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, और इसको हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिडिक रेन अगर कभी हो जाता है तो उसका जो पीएच होता है, उस पानी का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, ठीक है। अगर ये एसिडिक रेन होता है तो ये ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि उसमें उसका पीएच बिगड़ जाएगा, उसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा और वो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, चेंज ऑफ पीएच इन सॉइल। जैसे कि किसी भी लिविंग, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो जैसे भी प्लांट्स का भी जो पीएच रेंज है वो 7 के अराउंड रहता है, लेकिन क्या होता है कभी एसिड रेन हो गया, ठीक है, तो उसके कारण जो सॉयल का पीएच है वो बिगड़ जाता है, तो उसके कारण सॉयल का भी पीएच हमें 7 के अराउंड होना चाहिए, तभी प्लांट सर्वाइव करेंगे। अगर उसका पीएच अगर गिरा दो तो वो एसिडिक सॉयल बन जाएगा, तो उसके कारण वो पेड़ खराब हो जाएगा, पेड़ जल जाएगा,
उसी तरह से अगर बहुत बेसिक कर दोगे तो भी पेड़ जल जाएगा, अगर उसको 8-9 का पीएच लेके चलेगा, ठीक है, सॉइल का पीएच, तो भी वो बिगड़ जाएगा, अगर 4-5 पे लेके चलेगा तो भी बिगड़ जाएगा। तो एक निश्चित 7-7 to 6-7-8 के आसपास का जो पीएच होता है वो मिडिल वाला पीएच, न्यूट्रल के आसपास का पीएच वो होना चाहिए, तभी सॉइल में अच्छा से प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी देखते होगा आप एसिड रेन हो गया तो कभी कभी उसमें चूने का छिड़काव भी किया जाता है कि उसको वापस से बेसिक किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, तो इसलिए ये सब चीजें होती है। अब हम लोग बात करेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो हमारा जो स्टोमच है उसमें जो HCl गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें HCl रहता है, ठीक है। ये हमारे फूड के डाइजेशन में और जो खाने के साथ साथ जो बैक्टीरिया चला जाता है उसको किल करने में मदद करता है। हमारे पेट में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो पेट में ही पचता है, ठीक है, वहां पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही वर्क करेगा, ऐसे नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए उसको वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, जिसके कारण उसका पीएच लगभग 1-2 के आसपास में रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी कर सकता है लेकिन 1-2 के आसपास में रहता है, ओके। ये दो काम करता है, खाने को पचाता है और HCl जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो खाने के साथ चल गया था उसको भी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि खाने हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है तो पीएच का लेवल काफी गिर जाता है, ठीक है, 1 के अराउंड हो जाता है, तो वो फिर इरिटेशन करने लगता है, ठीक है, जलन करने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं एसिडिटी, ठीक है। जब पेट में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में, HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब एसिडिटी को कैसे हम लोग दूर करते हैं, तो उसमें एंटा एसिड खाना पड़ता है। एंटा एसिड क्या होता है, मेनली होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो वगैरह, ये सब चीज आप खा सकते हैं जिसके कारण वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं पेट में HCl की मात्रा थोड़ी बढ़ गई तो इसमें हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH2, ओके, ये हम लोग खा लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा MgCl2+H2, ठीक है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्लाइटली बेसिक होता है, जिसको एंटा एसिड कहते हैं। एसिड का एंटा मतलब कि एंटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस होता है, जिसको खाके हम एसिडिटी को दूर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीएच चेंज एज अ काउज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। हमारा जो दांत सड़ने का जो मेन कारण होता है वो भी पीएच चेंज ही होता है, ठीक है। अगर टूथ जो माउथ का जो पीएच है अगर वो 5.5 से नीचे चला जाए, पीएच का वैल्यू जो है अगर वो 5.5 से नीचे चला जाए तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ का जो इनेमल होता है वो हमारा जो होता है वो सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, पूरा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट संरचना होता है। अब होता क्या है कि कभी हम लोग खाना खाएं, कुछ फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंस गए, ठीक है, अगर हमने दांत को साफ नहीं किया ठीक से, रात को खाना खाकर सोए ब्रश नहीं किया, दांत में कुछ फूड मटेरियल फंस गए, अब होगा क्या कि वहां पे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया उस फूड मटेरियल को खाएंगे और बैक्टीरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एसिड के फॉर्म पे होता है, ठीक है, वो हमारे माउथ के दांत के आसपास में जहां फूड मटेरियल चिपका रहता है वहां पे बैक्टीरिया आए, वो वेस्ट निकाले, वो एसिड के फॉर्म में होता है और वो दांत पे ही आसपास लग जाते हैं एसिड, उसका पीएच तो काफी लो होता है, और 5.5 से 5.5 से अगर पीएच लो हुआ तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है फूड रिमेनिंग फूड जो दांत में फंसा है उसको खाने के बाद, वहां से हम लोग का टूथ डिके स्टार्ट होता है, और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे 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 लंबे समय तक, 1-2 साल, 3 साल, 5-5 साल भी लग जाते हैं, तब वो धीरे धीरे आपको असर दिखाना पड़े शुरू करेगा, वो काला काला होने लगेगा, फिर धीरे धीरे टूथ डिके शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार टूथ डिके स्टार्ट हो गया तो वहां पे काफी कैविटी बन जाती है, और कैविटी में तो और आराम से फूड मटेरियल फंसेंगे और आराम से बैक्टीरियाज वहां पे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माउथ को ब्रश करके सोना चाहिए, दांत को अच्छे से ब्रश करके सोना चाहिए। अच्छा, इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय यह है कि हमने टूथपेस्ट का उपयोग कर रहा है। अब टूथपेस्ट जो होता है वो स्लाइटली माइल्ड बेसिक होता है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो एसिडिक होता है, टूथपेस्ट में हमारा होता है बेस, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए पीएच को वापस 5.5 से ऊपर लेके आ जाएगा, जिसके कारण बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस हुआ ऐसा खत्म हो जाएगा और हमारा टूथ डिके नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर ढंग से आपको ब्रश करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय, अगला पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू अ केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं
जो कि एसिड का यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे कि अगर हमें कभी मधुमक्खी काट लेता है, ठीक है, मधुमक्खी अगर काट लेता है तो उसमें उसका जो डंग होता है, स्टिंग होता है, उसमें एसिड होता है, ठीक है, और वो हमारे शरीर में एसिड को इंजेक्ट कर देता है, मिथेनोइक एसिड होता है, एसिड को इंजेक्ट कर देता है और वहां पे हमें इरिटेशन होने लगता है। ये उसके द्वारा सेल्फ डिफेंस में किया गया काम होता है। तो हमारा हाथ पे अगर मधुमक्खी ने काटा तो स्लाइटली एसिडिक होता है उसका जो स्टिंग से जो निकला हुआ एसिड होता है, तो वहां पे अगर हम लोग माइल्ड बेस या फिर बेकिंग सोडा अगर हम लोग रगड़ लेते हैं तो उसको वो ठीक कर देता है। उसी तरह से एक प्लांट होता है नेटल, नेटल का जो लीफ होता है, नेटल प्लांट का एग्जांपल है, इसका जो लीफ होता है इसके साथ साइड साइड कांटे कांटे जैसे होते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे शरीर में लग गया या पैर में लग गया तो वहां पे भी जलन होने लगता है, ठीक है, वो मिथेनोइक एसिड होता है वो इंजेक्ट कर देता है तो बर्निंग जैसा सेंसेशन होने लगता है। तो जहां पे भी ये चीज होता है तो वहां पे उसके बगल में डॉग प्लांट भी पाया जाता है जिसको आप रगड़ लेने से, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, तो एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके उसको कैंसिल कर देता है। तो नेटल जो प्लांट होता है वो हो गया, चाहे बी स्टिंग हो गया, इस समय मेथनोइक एसिड होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाला है और बात है। और एसिड बेस इसका यूटिलाइज करते हैं प्लांट और एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, अनपच होने पे कौन सा चीज को यूज किया जाता है, कौन से मेडिसिन को यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक, एनर्जिलिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो जब पेट में इंडाइजेशन होता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटा एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर होता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो।